बताएंगे। आज देखिए अभी रोड वाली और ऐसे कई जगह है जहाँ वोट नहीं है। मौता हुई तो जनाजा नहीं जा सकता, ऐसे गलियां है। मैं बताता हूँ डेवलपमेंट की बात करने वालों, मुझसे मिलो आके। तुम्हारे गरीब की फिक्र होती तो तुम जाके उस घर के बच्चे से मिलते जिसको कूता काटा, उस घर के बच्चे से मिलते जिसके घर में मौता हो गई, तालाब में जो बच्चा मरा उसके घर में क्या करे तुम लोग बताओ। आ जाके झूठे वादे झूठे कहानियां सुना के पब्लिक को बता रहे। मेरा काम है कोई भी हो, मेरा काम हक का है, बताते रहूंगा। कोई भी जीतने दियो और ताकतों को मजबूर कर दूंगा काम करने पर। केलर साहब के ये वादे है कि हर जगह 28 वार्डों में पानी के वार्ड फिल्टर डालेंगे मुसलमान अवाम के लिए। यह केलर साहब का वादा है मुझसे किया गया। और आपको मालूम है वादे करते हैं और केलर साहब को कोई कमी नहीं है। वो जीतो या ना जीतो, अल्लाह ताला उनके अंदर दिया तो वो बढ़ डालते। और मेरे को उम्मीद है मेरे बाप है ना केलर साहब को जिताई है। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज के लिए मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे। ये अवाम को, कानून को और हर चीज को मजबूर कर देंगे आप पर आने पर। किसी को ये फिक्र है वोट डालने से पहले, कोई ये सोचता है कि उस घर में मौता हुई थी वो कैसे लेके गए? एक घर मैं बताता हूँ, पूरा कीचड़ भरा हुआ था, वो अपने जेब के पैसों से मट्टी डाल के मौता लेके गए। ऐसे कह रहे हैं जलपल्ली के अंदर, क्या आप लोग गए वहाँ पे? आज बातें करने आ जा रही जहाँ बोले वो खाली झूठे वादे। आपके साथ किसको फेलने के फिर मैं आप क्या बता रहे अवाम को? क्या तुम्हें डर के वोट डालना? अवाम अपना हक है वोट। और आप माँ बहनों को बोल रहा हूँ वोट कोई भी कुछ भी पैसे दियो बबू बलियो, और वोट जो सो केलर साहब को डालो, अंदर कोई चीज नहीं दिखती। एक अहम बात बोलो, ये लोग डरा के भी जाएंगे कि हमें मालूम होता वोट डाले तो। सुन मैं अहम बात बोलो कि अंदर कोई चीज नहीं, किसी को नहीं मालूम होता। आपका हक है, आप डालना वोट और जिताना, एक ही मकसद है अपना। डेवलपमेंट डेवलपमेंट बल लाएंगे, खातिलों को फिर से जेल को भी जाएंगे। आप लोगों की दुआ रही तो बहुबल खानों ने कहा हुआ है मैं अकेला करूँ। अब केलर साहब भी मेरे को वादा करे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं बढ़ते दम तक अपनी सांस गए तक लड़ते रहूंगा आवाम के वास्ते। हमें कोई चीज नहीं चाहिए। मेरा भाई जब तुमसे ये कहा था कि जब समझ में नहीं आया कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी कौम और मिल्लत तुम्हारे कुर्सियों पे मेरी दुश्मनी है। तुम अगर कुर्सी को छोड़ देंगे तो कोई और बैठेगा, उसको बोलूंगा वो मजबूर होके काम कराएगा। तुम्हारे पेट में मुंडी डालकर झुककर मिलूंगा, कहा था मेरा भाई। आज भी मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर। आप लोगों के बीच में वली मस्कती साहब भी आ चुके हैं और ये आंसू आया नहीं जाना चाहिए मेरे भाई बहनों। वेरी गुड भाई, सही आ रहा। थोड़ा पीलो, थोड़ा और एक पीलो। भाई आप सबसे एक ही गुजारिश है मेरी हर चीज से, जब जो है सो इन लोग कहीं पे नहीं आ सकते। आपको खुद को मालूम है, मेरे माँ बहने जितने हैं जलपल्ली के सबको पता है ये क्या करेंगे। अगर मेरे जैसा मरूम मरने से पहले बोल दिया एक शख्स सही बावजूद मरा तो 100 पैदा होंगे। अल्लाह ताला उसकी हिदायत मेरे अंदर डाला और मैं आपके बीच में आया, एक ही मकसद है मेरा। मेरी भी कोई जाति लड़ाई नहीं है इन लोगों से, कानून के ऊपर भरोसा है। कानूनी लड़ाई लड़ के बताऊंगा इन लोग को। इन लोग क्या समझे गरीब है शेख सईद बावजूद, इसको मार दो कोई नहीं आएगा। आज खातिर छुप के फिर रहे हैं हमारे आंखों के सामने, इन्हें कोई नहीं बोलता कि तुमने उसका कत्ल किया है। कोई इसमें इतना दम नहीं कि खत्म किया। मैं बोलता हूँ अहमद साथी, अब्दुल्ला साथी, उमर साथी, क्या नाम उसका, साले साथी जो छोटा है, उन्हें ये चारों ने मिलकर मेरे भाई का कत्ल करवाया। किस
किस लिए? ये जलपल्ली की आवाज उठा रहा था इसीलिए। क्या ये तुम्हारे पेट में मुंडी डाल कर नहीं मिलता बोला इसीलिए? क्या तुम्हारे पास छुट्टो नहीं बोला इसीलिए? कई बार तुमने नहीं कहा कि हम खरीद लेंगे तुझे, हाँ पैसे देंगे तुझे, जमीन देंगे तुझे, क्या तुमने नहीं कहा? उसने कहा मेरे भाई को, मैं भी बोला कि ये खत्म कर ले मेरे भाई। भाई ने कहा मेरी कौम का सौदा मैं नहीं कर सकता, मेरी कौम का सौदा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर मेरी कौम का सौदा नहीं करूंगा। तो आज मुझे बोलने वालों को बोल रहा हूँ, जो मेरे खास है उनको भी बोल रहा हूँ कि जो है खत्म कर लो, बोल रहे हैं आज मुझे, और ये खत्म कर लो बोलने वाले। अगर तुम्हारा भाई मरता तो तुम आज खत्म कर लेते, तुम्हारा भाई मरता तो खत्म कर लेते, आप बोलो मिल लेते इससे। इसीलिए बोलो खत्म कर लो नहीं, जो अल्लाह फैसला करेंगे उसके ऊपर बहुबा राजी रहेंगे हम केएलआर साहब के वादों पे। आपको ये चीज बताने आया हूँ मैं को आप कभी भी बुला सकते, मैं आपके दौरान में रहता हूँ, कभी भी आवाज को हुकूमत तक पहुँचा दो। जहाँ जहाँ रोड डाले गए थे अभी कई इलाके उसको मजबूर करने वाला, ये सब आपको मालूम है मरहूम शहीद बाबा वजीर था। अगर इन्हें मजबूर नहीं करता मेरा भाई तो आज ये डाले थे लोग महिला बेटी को पूछ के नहीं देखते थे। खाली इन लोग का काम बड़े बड़े एक्सियों के गाड़ियों में फिरना, सुकून से फिरना, दूसरा काम कुछ नहीं है, गुंडागर्दी करना। मैं इसीलिए कह रहा केएलआर साहब को जिता के भाई एक सैयद से अपने को लाने का है, इसीलिए लाना है। कोई जाति मफाद नहीं है अपना, डॉलर पेट चाहिए अपने को, इसीलिए केएलआर साहब को यहाँ पे लाना है। केएलआर साहब ने मुझसे वादा किया कहीं कुछ गफलत से हो जाए तो मुझे फोन करना और इमीडिएटली मैं आ जाऊंगा, गरीब के बीच में रह के काम करूंगा। आप बताइए सविता इंद्रावती कौन से बच्चे के घर पे गई मर गए बात, आप बताइए। आपको डराना है तो ये लोग जरूर आएंगे के बोलेंगे उसको ओढ़ दियो, इसको ओढ़ दियो। 75 गज जमीन पे कोई घर बना सकता? कई जमीन आए लोगों के, आप बोलते हैं 75 गज जमीन पे बनाओ, आप बोलते हैं डेवलपमेंट करे, ऐसे गलियां मौता नहीं जाती। कई लोग आए, मैं वहां पे गया, एक खाला मिले मुझे, उन्होंने कहा रो रो कर मुझसे के बेटे तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिए, अल्लाह को गवाह रख के बोल रही हूँ। खचा के मैदान में मुझे पकड़ रहा, ये चेयरमैन मेरे पास आया था और मैंने इसे कहीं खून के आता है बेटे धोले, यहाँ बैठे हुए भी होंगे वो खाला जी जो ने मुझे बोला उन्होंने भी होंगे यहाँ पे, देख सकते हैं वो खाला बैठे हुए हैं, मुझे वो रोककर बोला। उनकी हिम्मत है क्या, उन्होंने किसी से नहीं डरा, अपने को जज्बा लाना है। ये खाला ने कहा चेयरमैन को, मैं बोली अल्लाह के पास जवाब देना है, इन्होंने कहा खून के हाथ आए बेटे धोले तेरे। चेयरमैन नीचे मुंडी डाल के चले गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ और मरते दम तक अवाम की खिदमत करूंगा। इंशाल्लाह मैं सांस गए तक जलपल्ली के अंदर रहूंगा। ये लोग कैसा बुक करा दो कुछ भी करा दो, मेरा वही नहीं डरा जेल से जाने, मैं नहीं डरता हूँ। इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ केस फॉल्स कैसा, पुलिस वालों को बोल रहा हूँ खास फॉल्स केस बुक करने से पहले तहकीकात करो, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मुझे जुर्म करने वाला। इसीलिए बोल रहा हूँ पुलिस वालों को खास मेरे ऊपर फॉल्स केस मत बुक करो। एक फॉल्स केस पुलिस का मैं आपको बता के ऊपर चाकू निकाला मारने के लिए, मेरे भाई ने उस वक्त कंप्लेंट की, उसके 1.5 महीने के बाद चंद्रवन गुट्टा पीएस वो चाहिए ऐसा ही आज भी है, उन्होंने 1.5 महीने के बाद कंप्लेंट देते कि मुझे जान से मार देता बोला। क्यों भाई 1.5 महीने तक आप ड्यूटी पे नहीं गए थे, 1.5 महीने के बाद ही क्यों याद आया आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सीपी साहब का मैं शुक्र गुजार हूँ, सीपी साहब जो आज आए हुए है, सीपी साहब जो हैदराबाद के आ जाए हुए चंडेलिया साहब का शुक्र गुजार हूँ मैं, उन्होंने इन चोरों की सीट खोल दी। अगर सीपी साहब नहीं होते तो ये चोरों की सीट नहीं खुलती आज, मैं शुक्र गुजार हूँ सीपी साहब का जो चोरों की सीट खोली। बॉडी सीट खुलने के बावजूद आज आवाम के बीच में फिर भाई गुंडागर्दी कर लेते हुए फिर भाई, ये सीपी साहब को बोलना चाह रहा हूँ। अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ये आवाम से हमेशा मिलते रहूंगा मैं, आवाम मुझे जानती है, पहचान का मोहताज नहीं हूँ। मेरे भाई की अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मेरे भाई के जितने अधूरे काम
काम दे, उसको पूरा करने वाला बना दे। मेरे भाई के साथ ही काम नहीं थे, मेरा घर किराए का है आज भी, पहले भी किराए का था, कोई पैसे वाला नहीं हूँ भाई। आपके सामने बोलो, जब भी गरीब था मेरा भाई, भाई आज हूँ, भाई भी गरीब हूँ, मगर अल्लाह का करम है, छुपने वाला नहीं बना है, अल्लाह का शुक्र है। इसी बात पे मुझे फखर है, फखर है मुझे अल्लाह पे के झुकने वाला जालिमों के सामने मुझे नहीं बनाया, लड़ने वाला बनाया। हिम्मत से पैसे के पीछे झुकने वाले और रहते, जाओ उन्हें खरीदो। इसीलिए माँ बहनों से मैं हमेशा मिलते रहूंगा के लड़ साहब जो आए हुए हैं, इन्होंने मुझे जो मौका दिया है इनके स्टेज पे, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। के लड़ साहब को भारी अक्सरियत से 30 नवंबर को के लाल साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करो। कामयाब करने का मकसद अपना कुछ नहीं है, बस डेवलपमेंट, मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, उनके कॉलेज का, स्कूल का, दवाखाने का, ये सब के लाल साहब के वादे हैं। इंशाल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जैसा कि आपने दिल भरी कहानी सुना है, मैं इसके बावजूद भी आप लोगों से पूछता हूँ, क्या बताइए आप लोग इसके बावजूद भी बीआरएस को वोट देंगे? देंगे आप लोग? फिर बताइए किसको देंगे आप लोग वोट अपना? के लाल साहब के हाथ मजबूत कीजिए, ऐसे मजलूमों को बचाने के वास्ते मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिल में शेख सईद बावजूद की मोहब्बत दफन करके 30 तारीख के दिन ऐसा बटन दबाइए कि वो बटन की आवाज दिल्ली जाना चाहिए। अब आप लोगों के बीच मोहतरमुल मुकाम जफर जावेद साहब, सीनियर वीपी टीपीसीसी चेयरमैन है।